अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप सबके लिए एक मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ, 14 अगस्त स्पेशल नान खटाई, जिसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में घी ले लिया है, 3/4 कप घी, जिसको मैं मेल्ट कर रही हूँ। जब घी मेल्ट हो जाए तो इसको एक बाउल में कन्वर्ट कर दें, फिर आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में जमाने के लिए रख दें। अब ये देखें, घी बिल्कुल जम गया है। अब इसको मैं बीट कर रही हूँ तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छा फ्लफ़ी हो जाए। अच्छे से बीट लाजमी करना है ताकि नान खटाई बहुत खस्ता बने। जब अच्छे से बीट हो जाए, फिर इसमें पाउडर्ड शुगर डालें, पिसी हुई चीनी डालें 7 ounce यानी कि 14 tablespoon, 14 खाने के चम्मच। थोड़ी थोड़ी चीनी करके डालें और इसको अच्छी तरीके से बीट करें। जब चीनी अच्छे से बीट हो जाए, फिर इसमें मैदा डालें 8 ounce यानी 16 खाने के चम्मच, और इसी में बेकिंग पाउडर डाल दें 2 चाय के चम्मच और इसको छान लें। फिर इसको मिक्स करें। यहाँ पे मैंने थोड़ा बीटर से भी मिक्स किया है। अब इसको अच्छी तरीके से गूंदें और इसकी बॉल बना लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बॉल बना के इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। जब डिवाइड कर लें तो एक पार्ट को साइड पर रखें और एक पार्ट में ग्रीन फूड कलर मिलाएं। थोड़ा थोड़ा कलर मिलाएं और देखें कि कलर कैसा आ रहा है। अच्छी तरीके से गूंदें इसको, मसल मसल के इसकी डो को गूंदें, ताकि नान खटाई बहुत अच्छी बने। मेरा तकरीबन 1 चाय के चम्मच ग्रीन कलर डला था। अब नान खटाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक ग्रीन कलर की बॉल बनाई है। फिर उसके बाद वाइट वाली बॉल बनाई है। दोनों को आपस में मिलाकर एक नान खटाई की शेप दे दें और बेकिंग ट्रे पे रख दें। बेकिंग ट्रे ग्रीस नहीं होगी, या तो आप बटर पेपर लगा लें, मैंने फॉइल पेपर लगाया है। इसी तरीके से मैंने सारी नान खटाई तैयार कर ली हैं। अब नान खटाई पर अंडा लगा लें, फिर इनको 10 से 15 मिनट के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक कर लें। ये देखें कितनी ज़बरदस्त नान खटाई बनके तैयार हो गई हैं। ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक लाजमी दें। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।